नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत चिरके आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए क्योंकि हम आप सभी को एक न्योता देने जा रहे हैं। न्योता माने आमंत्रण। आप सभी को पुणे में होने वाले ऊर्जा उत्सव में मैं न्योता दे रहा हूं। ऊर्जा उत्सव, आप कहेंगे ये क्या है? मेरे भाइयों, ऊर्जा उत्सव हम सभी के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया है। हमारे देश भारत में किसान भाइयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और रिसर्च करने वाले हमारे कई सारे संशोधन बच्चों के लिए एक नई पहल। हाँ मेरे परिवारजनों, भारत सरकार की ओर से एक नया कदम आगे उन्नति की ओर बढ़ने जा रहा है। आप सभी के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ऊर्जा मंत्रालय, इनके सहयोग से हम आपको यहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं एक विशेष समारोह में। ये समारोह आपके लिए बहुत ही विशेष है। आप कहेंगे समारोह और हमारे लिए विशेष? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा 21वीं सदी में हम कदम रखते हैं। 21वीं सदी में कदम रखते हुए हमें हमारे बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या भविष्य है इन बच्चों का और क्या भविष्य है हमारे किसान भाई का, ये देखने के तो ये प्रदर्शनी और ये ऊर्जा महोत्सव और उत्सव आपके लिए नई उपलब्धि है। मेरे दोस्तों और मेरे परिवारजन, 7 और 8 जुलाई को पुणे में बालेवाड़ी स्टेडियम में ये समारोह होने जा रहा है। हमारे देश का पहला समारोह और वो भी पुणे में। तो आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आइए ऊर्जा के नए आयाम हम देखें। आप कहेंगे हमें जरूरत नहीं है, क्यों देखें? हमें तो सारी चीजें किताबों से, टेलीविजन से पता चल जाती है। किंतु मेरे परिवारजनों, इस ऊर्जा उत्सव में कई सारे ऐसे उपकरण, प्रदर्शनियां और इसे हम कहेंगे जॉइंट वेंचर होने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शनी में बैंक्स, नाबार्ड और उसी के साथ साथ कई सारी सहयोगी संस्थाएं जाने वाली हैं। तो ऐसा स्वर्ण अवसर दोबारा नहीं आएगा। आज हमें हमारे देश के लिए ये सोचने की बहुत जरूरत है। दुनिया क्या करती है ये तो हम देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हमारे देश के प्रति, ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। और 21वीं सदी में कदम रखते हुए मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा, यही हम सोच रहे हैं और शायद आप भी यही सोच रहे हैं। किंतु सोच से कुछ चीज खाली बनती नहीं, उसमें एक्शन प्लान में लाना जरूरी होता है। तो आइए इस समारोह में हम सब मिलके आगे बढ़े। हमारे देश को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है और पूरे विश्व में भारत को एक उभरता सितारा करके नंबर 1 पोजीशन देंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, इस मिशन को हम सब मिलकर कामयाब बनाएं, यही हम शुभकामनाएं आपको भी देते हैं और आपकी शुभकामनाएं हम सभी को चाहिए। इसी आमंत्रण के साथ जय हिंद।